हेलो स्टूडेंट, दिस इज के एम एस सर एंड वेलकम टू के एम एस सर केमिस्ट्री। देखिए, बी ए एम एस, बी यू एम एस और बी एच एम एस, इन सबकी काउंसलिंग में एक साथ कैसे पार्टिसिपेट करें? सर, हमारा मार्क्स जो है वो इस तरीके के हैं कि अगर हो सकता है हमें बी एम एस ना मिले तो ऐसा हो जाए कि हम बी यू एम एस कर ले, बी यू एम एस ना मिले तो बी एच एम एस कर ले। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे कर रहे हैं, इनका जवाब आज आपको मैं वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। देखिए, आपका ये सवाल है, जैसे आपके जो नंबर है, एग्जाम्पल हमने माना 560 नंबर है जैसे किसी स्टूडेंट की, और 560 नंबर है और उसका टारगेट है बीएमएस करना, और हो सकता है मान लो उसने बीएमएस को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, बीएमएस को उसने फिल किया और हो सकता है उसका नंबर यहाँ पे नहीं आया, तो अब वो बेकार ना हो जाए, इसलिए वो चाह रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि अगर हमारा बीएमएस में सिलेक्शन ना हो पाए काउंसलिंग में तो ऐसा हो कि हमारा बीएमएस तो मिल जाए। अगर हमारा बीएमएस में नहीं आया नंबर 560 पे, तो हो सकता है हमें बीएमएस मिल जाना चाहिए, हमें बीएचएमएस मिल जाना चाहिए, लेकिन हमारा ये साल जो है वो वेस्ट ना जाए। तो इसी चीज का जवाब दूंगा, क्या इन सबकी काउंसलिंग में एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे आपके नंबर इस तरीके से है स्टूडेंट, तो आपने अगर बीएमएस में, मान लो काउंसलिंग में, बीएमएस की काउंसलिंग में आपने कॉलेज फिल कर दिया, पहली बात तो आपको कॉलेज अच्छे कई सारे कॉलेज फिल करने हैं, लेकिन फिल वही कॉलेज करना है आपको जिसमें आपको एडमिशन लेना है, वो ही कॉलेज आपको फिल करने हैं, कुछ भी फिल नहीं कर देने। दूसरी चीज, अब बात ये है हमारे पास, अगर बीएमएस में नहीं हुआ तो अगर नंबर कम रह जाए तो बीयूएमएस मिल जाए हमें या हमें बीएचएमएस मिल जाए। तो हाँ, इनका जो जवाब है मोटे तौर पर ये कहूंगा, पहले इसे देखिए, इसे सुनिए और उसके बाद लास्ट तक देखिए ध्यानपूर्वक, सारी चीजें बताऊंगा मैं। बीयूएमएस में भी आप जब एक काउंसलिंग कर रहे हैं, जैसे अब आपको पता है कि आपकी जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग चल रही है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपकी चल रही है, और इस एआईक्यू में आप जब काउंसलिंग करेंगे आयुष की, तो आयुष की काउंसलिंग में आपको बीएमएस भी भर सकते हैं, बीयूएमएस भी भर सकते हैं, बीएचएमएस भी भर सकते हैं, जो आप चाह रहे, मतलब ये सारे कोर्स आप भर सकते हैं एक ही रजिस्ट्रेशन से। सबसे बड़ी बात आपके लिए, सबसे अच्छी चीज ये, एक ही रजिस्ट्रेशन से आपको ये सारे कोर्स भर देने हैं। अगर आपका इसमें नंबर ना आए तो इसमें आ जाएगा, इसमें ना आए तो इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा तो इस तरीके से अगले में आ जाएगा। 5-6 कोर्स ये आयुष के अकॉर्डिंग आते हैं, आपको सभी भरने हैं और कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सभी के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, आपकी जो सिक्योरिटी मनी होती है स्टूडेंट, उस सिक्योरिटी मनी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फिल किया है काउंसलिंग में, तो आपकी वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज में जो सिक्योरिटी मनी होती है वो आपकी 20,000 रुपये होती है। अगर आप एक कॉलेज भरे, दो कॉलेज भरे, एक से ज्यादा भरे, एक कोर्स भरे, एक से ज्यादा कोर्स भरे, सिक्योरिटी मनी भी आपकी इतनी ही लगेगी 20,000 रुपये, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये आपकी समझदारी भी इसी में है, और मेरी जो सजेशन है, गाइडेंस है, वो भी आपके लिए ये है कि आपको बीएमएस करना है तो उसके साथ साथ में अगर आपके नंबर कुछ कम है तो आपको इनको भी साथ में फिल करना है। अगर यहाँ पे आपका मार्क्स जो है वो कॉलेज नहीं मिल पाता तो आपका जो लाइफ है वो बेकार ना हो, इस साल वेस्ट ना हो, आपको इनमें एडमिशन मिल जाए, ये बात आपको ध्यान देने वाली है। दूसरी आपको बता दें, ये तो थी आपके पास जानकारी कि भाई आपकी जो गवर्नमेंट फीस है, सिक्योरिटी मनी की फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, वो आपकी 20,000 रुपये है और आपको साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन अगर आप डीम्ड के अंदर जा रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड कॉलेज में आप जा रहे हैं, तो वहां पे जो आपकी सिक्योरिटी मनी होती है वो आपकी 50,000 रुपये होती है। ये ध्यान देने वाली बात है, यानी कि 50,000 रुपये। लेकिन ये जानने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज या फिर आप डीम्ड जो भी आप भर रहे हैं, ये अगर आप को एडमिशन नहीं मिलता तो ये जो होती है ये आपकी वापस हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी रिटर्न नहीं होती है। और दूसरी बात ये, अगर मान लो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी भर रहे हैं और आप डीम्ड यानी कि प्राइवेट को भी आप भर रहे हैं, ठीक है जी, आप डीम्ड भी भर रहे हैं और गवर्नमेंट भी आप भर रहे हैं, तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी मनी होगी, ध्यान देने वाली बात यह है, फिर भी वो 50,000 रुपये ही होगी। अगर खाली प्राइवेट भरा तो इतनी है, अगर गवर्नमेंट भरा तो इतनी है, अगर आपने गवर्नमेंट भी भर दिया और यहाँ पे आप डीम्ड भी भर रहे हैं तो आपकी 50,000 होगी वो गवर्नमेंट की भी, इसमें भी। अगर मान लो आपको गवर्नमेंट में नंबर नहीं आता है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो आप सभी कोर्स की जो है आंसर फाइनल ये है, एक साथ काउंसलिंग जो है वो करा सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहे तो गवर्नमेंट में अगर नहीं आए तो आपके पास कैपेबिलिटीज है, आर्थिक स्थिति अच्छी, तो आप डीम्ड के अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आप साथ साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज की बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते टाइम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो पॉइंट्स अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, उन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, वो गलतियां नहीं करनी है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।